अस्सलाम वालेकुम, फोकस विद फहीम से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। और मैं आपको बताऊँ कि कराची में 1 जून तक हीट वेव का राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिंध समेत कराची और कराची के बाद जो सिंध के दीगर अजला है जिनमें सजावल, ठट्टा, बदीन है, यहाँ पर तो 44 डिग्री तक सेंटीग्रेड जाने के इम्कान हैं, जबकि कल कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्ज हरारत गया और आज भी 41 से 44 जाएगा। इस गर्मी से बचने के लिए शहरी जो है वो दरख्तों के साए में बैठे हुए हैं और शहर कराची में जगह जगह जो है हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए हुए हैं और शहरी इस हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। किस तरह, उसका बहुत आसान हल है। उसका यह है कि एक तो गैर ज़रूरी आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी है तो अपने साथ सब्ज़ और नीले रंग की छतरियाँ ज़रूर बाहर लेके निकलें। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं धूप में आ रही हूँ तो झुलसा देने वाली गर्मी है, लेकिन जैसे ही मैं दरख्त के साए में जा रही हूँ तो थोड़ी सी गर्मी की सूरत हाल बेहतर है, ठंडक है। तो प्लीज़ दरख्तों का दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और फोकस विद फहीम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको कराची में जगह जगह लगे हुए कुछ कैंप्स भी दिखाती हूँ जो कि हीट स्ट्रोक कैंप्स हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ORS डाल के पानी पिएं, लीमू डाल के पानी पिएं, ठंडे खाने खाएं, सब्ज़ियाँ, रायते, इस तरह की चीज़ें खाएँ। और इस वक्त मैं ये पीपल्स स्क्वायर ये जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सामने जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल्स हाउस है और ये पीपल्स चौरंगी कहलाती है। और यहाँ से हम वेदर दे रहे थे और आज 1 जून तक हीट वेव है, इससे बचा जा सकता है काफ़ी हद तक। और इसके बचने का यही तरीका है कि ठंडी ग़ज़ाएँ खाएं, गोश्त ना खाएं, दही और रायतों का इस्तेमाल करें और प्लीज़ अपने शहर में इस तरह के दरख्त लगाएं, क्योंकि जब हम दरख्तों के नीचे जाते हैं ना तो आधी धूप का जो तपिश है वो कम हो जाती है। ये देखें लाइन से, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, ये हम अपने बचपन में भी हमने ये दरख्त लगे हुए देखे। सूरज देखें किस तरह अपनी आबोताब से चमक रहा है। और ये दरख्त मुझे अच्छे से याद है, मैं बचपन में भी जब आकर देखती थी तो ये दरख्त इसी तरह मैंने यहाँ पर देखे और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तनावर दरख्त बन चुके हैं सालों में। और आप अपने प्लीज़ ये मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में रिक्वेस्ट करती हूँ कराची वालों से, प्लीज़ कराची वाले निकलें, अपने दरख्त लगाएं, अपने लिए लगाएं, ये आप किसी और के लिए नहीं लगा रहे, आप अपने लिए लगा रहे हैं। अपनी क्यारियों में दरख्त लगाएं, अपने पार्कों मैदानों में दरख्त लगाएं, अपने नेटिव पौधे लगाएं, आपके अपनी ज़मीन के पौधे लगाएं, जैसे कि नीम का दरख्त लगाएं, बादाम का दरख्त लगाएं, अमलतास का लगाएं, सवांजना का लगाएं, तुलसी का लगाएं, पेर का लगाएं, लीमू का लगाएं, मेहंदी का लगाएं, ये दरख्त लगाएं बराए मेहरबानी। और नीम का दरख्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीम का दरख्त वो दरख्त है जो कि सबसे ज़्यादा गर्मी को जज्ब कर लेता है अपने अंदर और आपको ठंडा ठंडा साया देता है। ये देखें सामने दो नीम के दरख्त लगे हैं, नारियल के दरख्त लगे हैं। ये कराची के साउथ का इलाका है और कराची के साउथ के इलाके में जहाँ शोर ज़्यादा है तो वहीं गर्मी भी ज़्यादा है क्योंकि कंजस्टेड एरिया हो चुका है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाइस, ट्रैफिक के बाइस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल है। कल सबसे ज़्यादा गर्मी स्कीम 33 में नोट की गई, हैरत की बात है। यहाँ पर जो है हीट वेव स्ट्रोक कैंप कायम है और यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है लोगों को ठंडा ठंडा, और ये जो है सर पे ठंडा ठंडा पानी भी डाल रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं हीट वेव के खर्चे के पीछे नज़र आप लोग? बहुत लोग आ रहे हैं, सही। और इस वक्त ये ठंडा ठंडा पानी और शरबत पिला रहे हैं, मुझे शरबत पीना है। बस 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 बस, और गर्मी की वजह से मैं भी शरबत पी रही हूँ। और ये जो है बहुत ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं सबको, ये ही स्ट्रोक कैंप है। सुबह से अब तक कितने लोग आ गए होंगे? तकरीबन 500-600 लोग हैं। ठीक है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है, ये भी
मजा आया पानी डलवा के? भाजी बिल्कुल मजा आया। तबीयत खराब हो रही थी? जी भाजी गर्मी हो रही थी बहुत। बिल्कुल, ये आपने देखा गर्मी में ये कैंप जो है वो कायम है कराची प्रेस क्लब के बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैंप कायम है और इस तरह के कैंप कराची भर में जो है वो लगे हुए हैं जगह जगह, मुख्तलिफ निजी NGOs की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और शहरी यहाँ पर आकर अपने ऊपर पानी डलवा रहे हैं, ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हैं। ये देखें इन्होंने सर पे ठंडा रुमाल रखा है। और कितनी गर्मी कम हो जाती है ठंडा रुमाल रखने से? थोड़ी देर के लिए सही होगा, थोड़ी देर के लिए बचत हो जाती है। बिल्कुल, अरे ठंडा रुमाल रखवा लें आप भी। ठंडा रुमाल रखने से सर कितना फर्क पड़ता है? ठंडा रुमाल रखने से कितना फर्क पड़ता है किस रोग में? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कैसा लग रहा है ठंडा रुमाल डाल के? सकून, ऐसी बात है, हीट स्ट्रोक में ठंडा रुमाल डाल के शहरियों को बहुत सुकून मिल रहा है। और ये पानी डलवाएं जरा अपने ऊपर, ये देखें ये शहरी पानी डलवा रहे हैं। और फोकस विद फहीम से मुझे सुमैया को इजाज़त दें। आज कराची में बहुत गर्मी है, ये यकम जून तक ये गर्मी बरकरार रहेगी, हीट वेव बरकरार रहेगी। इनसे बचने के लिए आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें, ठंडा पानी पिएं, दरख्त लगाएं, ठंडे कपड़े पहनें, ठंडे ठंडे खाने खाएं, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल करें, छतरी ख़रीद लें। देखिए किस कदर रश गैस कैंप पे। तो मुझे फोकस विद फहीम से सुमैया को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।